हेलो दोस्तों, मेरा नाम मुनिंदर कुर्मी, आप देख रहे हैं ऑल नॉलेज की, मैं आपका स्वागत दोस्तों। दोस्तों इस वीडियो में दो एप्लीकेशन के ऐसे बारे में बताऊंगा जो आपके फ़ोन में इंस्टॉल करने के बाद इतना बेहतर लुक देंगी जो आप सोच भी नहीं सकते। इतना अच्छा फ़ोन लगेगा, उसका लुक और कूल बिल्कुल बिंदास फ़ोन लगने लगेगा आपका, अगर एंड्रॉइड फ़ोन आपके पास है तो। इस एप्लीकेशन को आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, वीडियो को पूरा देखो, पूरा प्रोसेस बताऊँगा, सारे काम कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फर्स्ट एप्लीकेशन की, ठीक है। तो उसका इंटरफेस कैसे दिखेगा आपको, उसका इंटरफेस दिखेगा दोस्तों आपको इस तरीके से, ठीक है। जैसे ही उसको ओपन करेंगे, लॉन्चर फॉर मैक ओएस, ठीक है, इस तरीके से आपको इंटरफेस खुल जाएगा कुछ एप्पल टाइप का। और जैसे ही इसका इंटरफेस खुलेगा तो आपके सामने कुछ ऑप्शन यहाँ पर दिए जाएंगे, ठीक है। जिसके मैं इसका चेंज कलर चेंज कर देता हूँ यहाँ से, ये रहा, ठीक है। इस तरीके से हम यहाँ से बताते हैं आपको, कुछ ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलेंगे जो यहाँ पे, ठीक है। और आपको कुछ और देखना है और टाइम आपको यहाँ पे मिल जाएगा, क्रोम यानी गूगल यहाँ मिल जाएगा, कुछ ऑप्शन आपको नीचे मिल जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे जो मैं यहाँ पे ग्रीन कलर से कर रहा हूँ, ये चलेगा कैसे, अगर आप क्रोम खोलना चाहते हैं तो क्रोम खुलेगा, ठीक है। इसको बैक करते हैं यहाँ से इस तरीके से, ठीक है दोस्तों। अगर हम बैक कर देते हैं तो आपको यहाँ से कुछ ऑप्शन मिल जाएंगे और यहाँ पे आपको सारे ऑप्शन मिलेंगे, डायल और जो भी आप करना चाहते हैं, ठीक है, यूट्यूब वगैरह सारी चीज़ें यहाँ से कुछ। अगर स्वाइप करेंगे इधर से इधर को, ठीक है, यहाँ से इधर को अगर स्वाइप करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुलेगा। यहाँ से कुछ बैग आ रहा है, ठीक है, इससे बैग चलते हैं, यहाँ से हम इसे बैग चलाते हैं, ठीक है, दोबारा देखते हैं इस तरीके से, ठीक है दोस्तों। अगर नहीं आता है तो आप ऐसे दोबारा कर सकते हैं। यहाँ पे आपको क्या क्या मिलेगा दोस्तों, इसे अलाउ कर देते हैं, ठीक है, इसे अलाउ कर देते हैं जो सेटिंग मांग रहा है इसको, ठीक है, परमिशन थी कुछ। यहाँ पे जैसे ही अलाउ करेंगे तो दोस्तों इसे बैक चलते हैं थोड़ा सा, ठीक है, इस तरीके से हम यहाँ से बताते हैं आपको, वाईफाई, एयरप्लेन, आपके जो भी वो क्या बोलते हैं उसे, ब्राइटनेस कितनी परसेंटेज है, हॉटस्पॉट्स, लोकेशन, रोटेट, फ्लैश वगैरह सारी चीज़ें यहाँ मिल जाएगी आपको, ठीक है। और जो लॉन्चर हमारा है उसकी सेटिंग कुछ आपको यहाँ मिल जाएगी, ठीक है। अगर यहाँ से इसे काटना है तो काट भी सकते हैं, चलाना। अब दोस्तों बताता हूँ आपको सेकेंड एप्लीकेशन जो आपको बहुत ही कुछ ज़्यादा ही अच्छी लगी, आप सोचेंगे यार कितनी अच्छी चीज़ है, सबसे इम्पोर्ट मुझे सबसे अच्छी लगी वो क्या चीज़ है आप देख पा रहे होंगे। उस एप्लीकेशन का नाम है यहाँ पे ERC लॉन्चर, ठीक है। इसमें बहुत कुछ है दोस्तों, जैसे आप इसको ओपन करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुलेगा, ठीक है। इसे अलाउ मांगता है तो अलाउ कर देते हैं, वैसे यहाँ से अलाउ मांग रहा है, ठीक है, अलाउ नहीं मांगता है तो क्या करेंगे हम, इसकी सेटिंग जो एप्लीकेशन सेटिंग होती है उसको यहाँ से क्लियर कर देंगे, ठीक है दोस्तों। जैसे ही क्लियर करा हमने, आपको इस तरह से डाउनलोड करना होगा। सबसे पहले आपको लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, सारे लिंक दोनों जो भी ऐप है आपको स्टार्ट करना है। सबसे स्टार्टिंग में बता रहा हूँ आपको, इस तरीके से मिलेगा, स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट जैसे ही करते हैं आपको एग्री करने के बाद आपको कंफर्म कर देना है, ठीक है। जैसे ही कन्फर्म करना है आपको कुछ वॉल्यूम टाइप की आवाज़ मिलेगी, उसके बाद आपका जो होम पेज होगा वो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा दोस्तों। यहाँ से देख पा रहे हैं, यहाँ से कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, ठीक है। यहाँ पे बता रहा है एक इसलिए डायल टोन किस लिए, ठीक है, कोई नहीं, दोबारा चलते हैं बैकअप, बताते हैं इसमें करना क्या है, ठीक है, चलता कैसे है और दिखाते हैं इसे, स्वाइप करा, ठीक है। ये बता रहा है यहाँ पे आपको सारी परमिशन अलाउ करने के बाद अब आपको इसका जो इंटरफेस खुलेगा वो दोस्तों कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ से देख पा रहे हैं इस तरीके से इंटरफेस कितना कूल दिखाई देता है दोस्तों, यहाँ से हम सारे काम कर सकते हैं। अब यहाँ से कितनी अच्छी चीज़ है दोस्तों, यहाँ पे हमें सारी चीज़ मिल जाएंगी डिसेबल इनेबल करने के लिए नेटवर्क वगैरह, ठीक है। यहाँ से आपको टाइमिंग मिल जाएगा, यहाँ से हमारी रैम कितनी यूज हुई है, बैटरी कितनी है, कितनी क्या नॉर्मल है सिस्टम इंफॉर्मेशन, ठीक है। और यहाँ पे आपको जो कुछ ऑप्शन दिखा देते हैं यहाँ से हम डायरेक्टली चला सकते हैं इन पर क्लिक करने के बाद। यहाँ पर आपको सेटिंग मिलेगी, यहाँ पर आपको कुछ वाईफाई वगैरह मिलेगी आपको, ठीक है। अगर आपको नंबर किसी को लगाना है तो यहाँ पे कोने पे आपको कुछ नंबर टाइप के मिलेंगे, ठीक है। इसी इस पर डायलर पे क्लिकिंग अलाउ कर देंगे,
तो आपको कुछ दोस्तों इस तरीके से मिलेगा। यहाँ से हम किसी का भी नंबर डायल कर सकते हैं। ये इंटरफेस कितना अच्छा लग रहा है दोस्तों। यहाँ पे आपको छोटे से कोने में एक चीज़ मिलेगी, सिम वन और सिम टू, जितनी भी आपके सिम फ़ोन में, एक या दो पे क्लिक करने के बाद भी हम उसे यहाँ से लगा सकते हैं दोस्तों इस तरीके से, ठीक है। और चलते हैं बैक। बैक करने के बाद अब बताता हूँ इसमें क्या क्या सेटिंग कहाँ है दोस्तों। अगर आपको इस यहाँ पे इतना अगर इसका इंटरफेस चेंज करना है तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पे क्लिक करना होगा, ठीक है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे, सॉरी बैक यहाँ पे क्लिक करते हैं छोटे वाले पे, तो आपको कुछ इस तरीके से मिलेगा। दोबारा से यहीं पे क्लिक करते हैं, छोटा सा इसे ध्यान से देखना, ठीक है। इस तरीके से नॉर्मल हो जाएगा। यहाँ पे कुछ सेटिंग हैं, यहाँ से जो लॉन्चर है उसकी सेटिंग थी, फॉन्ट वगैरह यहाँ से हम उससे चेंज कर सकते हैं। आइकन पैक वगैरह जो भी हम फॉन्ट है उसे कौन से फॉन्ट में करना है, जो आइकन दिखाई दे रहा है हमें उन्हें कौन से करना है, बोल्ड में करना है, डिजाइन में करना है, जिसकी मैं यहाँ से ले लेता हूँ ये वाली डिजाइन। यहाँ पे ऊपर देख पा रहे हैं डिजाइन हमारे चेंज हो चुके हैं जो ऐप है हमारा, ठीक है। यहाँ से कोई नहीं, अच्छा लगे जो भी आपको वो कर सकते हैं। यहाँ से मैं कुछ ले लेता हूँ, चलो यही ले लेते हैं, ठीक है। इस तरीके से इसे अप्लाई कर देते हैं, ओके भी हम कर सकते हैं। परचेस के लिए बता रहा है, परचेस नहीं करना हमें, सारी चीज़ फ्री का है तो फ्री ही मज़ा लिए। अब यहाँ से हम डायरेक्ट लाइट भी बजा सकते हैं, ठीक है। टॉर्च वगैरह जो भी होती है लाइट बोलते हैं, यहाँ से अलाउ किया, यहाँ से देख पा रहे हैं हमारी लाइट चला सकते हैं। दोबारा इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पे तो उसे बंद भी कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शन मिल जाएंगे जो आपके परमानेंटली ऑप्शन है, ठीक है। एक आपको यहाँ पे मिलेगा यहाँ पे ऑप्शन, ठीक है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ आप स्वाइप करेंगे ऊपर को तो आपके सामने कुछ इस तरीके से सेटिंग दिखेंगी, और जो आपका टैप होंगे, ठीक है, पर्सनली ऐप होंगे, ड्राइव वगैरह, ड्यू, फाइल मैनेजर, जीमेल वगैरह, सारी चीज़ यहाँ से हम चला सकते हैं। आपको दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगता हो प्लीज़ लाइक कर दिया करें, आप लोगों के लिए बहुत मेहनत करके वीडियो बनाते हैं, ठीक है। इसमें अगर स्वाइप करेंगे, ठीक है, दोबारा से बताता हूँ, अगर आपको करना क्या है, यहाँ से सॉरी इसे बैक चलते हैं, इधर को अगर स्वाइप करेंगे तो आपको कुछ ऑप्शन मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको नीचे कुछ ऑप्शन मिलेंगे यहाँ पे, अब उनके बारे में बताता हूँ, ठीक है। सबसे फर्स्ट में आपको इस तरीके से सेकंड वाले पर जैसे क्लिक करेंगे दोस्तों यहाँ पर, ठीक है, क्रम बाई क्रम करते रहेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। ये दोस्तों कितनी अच्छी चीज़ें हमारी, सबसे फर्स्ट में बताएगा रैम, ठीक है, रैम के बारे में, उसके बाद बैटरी के बारे में, उसके बाद स्टोरेज के बारे में। यहाँ से देख पा रहे हैं हमारी जो भी रैम थी कितनी थी टोटल, ठीक है, उसके बाद रहे कितनी गई इसमें ध्यान से देखना, बैटरी कितनी फूक चुकी है यानी कि डाउन हो चुकी है, ठीक है। यहाँ से जो हमारी स्टोरेज होती है वो कितनी हो चुकी है। उसके बाद चलते हैं थर्ड नंबर, यहाँ पे क्या बताएगा देखो दोस्तों, यहाँ से कुछ टाइम वगैरह होता है वो बताएगा आपको, ठीक है। और यहाँ से आप म्यूजिक चला सकते हैं दोस्तों, आपका जो भी म्यूजिक है उसको यहाँ से आप उसकी लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं, ठीक है, जो भी आपको अच्छा लगे तो यहाँ से। और आप यहाँ से लास्ट वाले पे नोट बना सकते हैं, यहाँ से क्रिएट नोट यानी कि जो की वगैरह होती है उस तरीके से। दोस्तों यार वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दें, इस वीडियो को शेयर भी कर दें दोस्तों के साथ। अगर एप्लीकेशन है आपको डाउनलोड करना है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों। और आप चाहते हैं कि इस तरीके से नई नई वीडियो हमें मिलती रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जोर दबा देना, जिससे कि आने वाली नोटिफिकेशन जो भी होगी वो आपको मिलती रहेगी दोस्तों। तब तक के लिए दोस्तों गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।